भाई तब है मैं अपना नागालैंड ट्रिप खत्म करने के बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए बंद कर दिया था। क्या मना सर? हेलो आशी, ये रहा मेरा मिनी वेज थाली और इसका मुझे पड़ा है टोटल। आज मेरे ये असम का आखिरी दिन है, आज मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा हूँ और एक नए स्टेट, कौन सा स्टेट मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगा। बाय द वे इस वक्त मैं हूँ फैंसी मार्केट में और यहाँ पर मैं काफ़ी दूर तक घूम लिया एक चीज़ ढूंढने के लिए, मतलब चाहिए मुझे, एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है, उससे मेरा वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 3.5mm जेक जो कि आईफोन में लगाता है, ओ भाई ये चीज़ काफ़ी दूर से ढूंढ रहा हूँ और बहुत दूर तक चला भाई, और इतना हैवी वेट लेके चलना भी बहुत मुश्किल होता है। सो फाइनली भाई मिला है। इसके कितने करके भैया? आईफोन का तो नहीं है, लिखा हुआ है लिखने का आजकल कुछ नहीं है, कुछ डिस्काउंट करके नहीं होगा? डिस्काउंट करके बोला है तो आप ऑनलाइन में और ज़्यादा, ऑनलाइन में 150 दिखा रहा था पर मेरे पास समय नहीं है इसके लिए बोल रहा हूँ। 250 ले लीजिए, हो गया, और इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएगा, इसमें भी आपका प्रॉफिट है ऐसा कुछ नहीं है, पर हम चेक करेगा पहले क्योंकि मेरा वर्क करेगा कि नहीं उसके हिसाब से, इसे फिर मेरा चला जाएगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल चुका है मुझे ये वाली चीज़, काफ़ी दूर तक घूमा भाई, काफ़ी दूर ढूंढा। हेलो 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 हेलो, चेक करना पड़ेगा। हेलो भाई, देखिए ये ओरिजिनल बोल रहे हैं ना, पता चलता है, देखिए पता चलता है। हेलो 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 हेलो, जेक तो मिला था बट उसका जो एक्चुअली में वो वर्क नहीं कर रहा है, तो अपना लेके कोई फ़ायदा नहीं है। रेट तो ठीक ही ठाक था 250, ऑनलाइन में तो और भी सस्ता था बट वो आने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता और एक भी लोकेशन फिक्स नहीं है मेरा, सो नो ऑप्शन भाई, चलते हैं अब रेलवे स्टेशन। अभी मैं शॉर्टकट रास्ता लेकर जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ में और ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ, एंड ठीक हमारे सामने है रेलवे स्टेशन और मैं था अभी फैंसी मार्केट में। फैंसी मार्केट से अगर आप मेन रोड होकर जाते हो ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ेगा और मेरा पास इतना हैवी वेट है ना, तो इसको लेकर चलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, बट आपके पास गाड़ी है और बाइक वगैरह तो ऑब्वियसली आपको मेन रोड होकर जाना पड़ेगा, तो आपके लिए आसान भी रहेगा। सो आप चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा थक चुका, इतना हैवी वेट लेके ऑलमोस्ट मैं 40 मिनट्स पूरा इधर उधर घुमा और बहुत ट्राई किया कि कहीं ना कहीं से मिल जाए मुझे, बट वो मार्केट में जितने भी जेक मिल रहे हैं ना वो सारे ऑलमोस्ट डुप्लीकेट ही है। सो अभी मैं आईफोन का वेबसाइट से जाके सर्च करूँगा और वहाँ पर मुझे मिल जाए तो ऑर्डर करूँगा, बट कहीं एक जगह अगर मैं फिक्स रहता हूँ ना तब जाके ऑर्डर करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी करना और लोकेशन इधर उधर होगा तो वो ज़्यादा दिक्कत है। सो चलते हैं रेलवे स्टेशन और बाकी बात आराम से बैठ के करते हैं। रात के बज रहे 7 और मैं अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका। रेलवे स्टेशन के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और अजीब सा गर्मी भी लग रहा है, सो मैं बाहर आ चुका हूं और बाहर में थोड़ा बहुत नाम के लिए हवा चल रहा है, इतना काफ़ी है मुझे। मुझे जाना है करीमगंज तक, तो मैं यहां से निकलूंगा करीमगंज के लिए जो कि मेरा ट्रेन रहेगा रात के 10 बजे, तो खाना वगैरह खा के निकलेंगे, कौन सी जगह खाना खाएंगे वो भी आपको बताएंगे। एंड करीमगंज पहुँचने के बाद फिर से मुझे ट्रेन चेंज करना पड़ेगा और वहाँ से मैं जाऊंगा दूसरी ट्रेन लेके एक और नई जगह, नए स्टेट, वो मैं आपको व्लॉग्स में आगे बताते रहूँगा। सो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद अपना ये जो आज का जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। सो अभी मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, ऑर्डर आपने दे दिया मिनी वेज थाली। अभी जिस जगह मैं आया हूँ ना यहाँ पे मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है बट मेरे लिए थोड़ा सा फायदा भी है और समटाइम कभी कभी थोड़ा कॉस्टली जगह जाना भी चाहिए। तो मिनी वेज थाली का मुझे प्राइस पर है वो 200 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन ईजिली चार्ज कर लेता हूँ, थोड़ा सा AC का हवा मिल जाता है, उसके बाद थोड़ा सा क्राउड कम है और
थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो ये सब मिलता है। सो मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ त्रिपुरा, जो कि असम और मिजोरम से बॉर्डर अपने शेयर करता है इंडिया में, और इंटरनेशनल में बांग्लादेश से शेयर करता है। तो ये थोड़ा सा छोटा स्टेट है, एंड हम जाएंगे और ट्राई करेंगे कि सब जगह विजिट करने के लिए, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप सपोज कभी ट्रेवल कर रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग तो एडवांस बुकिंग करके आते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप जनरल टिकट काटना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिसके थ्रू से आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन का नाम है UTS। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर कहीं इमरजेंसी में जा रहे हो और ज़्यादा क्राउड है टिकट काउंटर में, तो आप ऑनलाइन से बुकिंग कर सकते हो। सो वो सबसे बेस्ट है। सो मैं इजिली बैठ बैठ के अपना बुकिंग कर लूँगा। सो यार अभी खाना का वेट करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद टिकट बुक करके चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और 10 बजे यहाँ से हम निकलते हैं करीमगंज के लिए, और वहाँ से चेंज करके मैं जाऊँगा अगरतला। सो लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे टर्न वाइज शेयर करते रहेंगे। ये रहा मेरा मिनी वेज थाली, और इसका मुझे पड़ा है टोटल 200 रुपीज़। लास्ट टाइम मैं जब आया था थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था, और आज मुझे सिर्फ रोटी मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। एनीवेज मेरा फेवरेट रोटी है पनीर मटर और आई थिंक और क्या मिक्स किया पता नहीं, उसका सब्जी दाल, ये हो गया सैलेड, केक मिला भाई, रोटी है, पापड़, और ये रहा पिक्कल 200 रुपीज़। अभी खाना पीना हो चुका अपना, और मैंने अपना टिकट भी बुकिंग कर लिया ऑनलाइन से, और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपको कुछ स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा उस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। सो जो ट्रेन है वो गुवाहाटी से निकलने वाली है, तो ऑलमोस्ट शायद एंड मे भी शायद ट्रेन अभी स्टेशन पर ही होगा, तो मुझे जनरल में बैठना है, तो जल्दी से चलते हैं और डायरेक्ट जाके जनरल में कहीं अच्छा सा सीट देके बैठ जाते हैं यार, जहाँ पर चार्जिंग वगैरह अपना कर पाए। तो चलते हैं भाई स्टेशन के अंदर, और अभी समय हो चुका है 8:30, तो आई थिंक स्टेशन पे आ ही चुका होगा ट्रेन। अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन पे, और आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन से, जिस स्टेशन से निकल रहा है, तो वहाँ पर आप एडवांस में भी जाके आप ट्रेन में बैठ सकते हो। ट्रेन ऑलमोस्ट मतलब 1 आवर 2 आवर्स पहले स्टेशन पर आके रुक जाते हैं, अगर आप जनरल में इनकेस जा रहे हो तो। अदरवाइज आपके पास कन्फर्म टिकट है तो भाई कोई टेंशन लेने का है नहीं, जस्ट चिल करो और वेट करो अपने ट्रेन का आने का। अगर आप जनरल से ट्रेवल कर रहे हो और आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है, और आपका लोकेशन एकदम मैच करता है जहाँ से ट्रेन निकलती है, तो आप एडवांस में आओ, और इसलिए आप अपना सीट लो और मस्त से बैठ के जाओ, जो पसंद आता है वो चूज़ करो। जैसे मैंने एक सिंगल वाला साइड वाला चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आराम से मैं सोने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है आई नो, बट एटलीस्ट कोई सेकेंड पर्सन आके बैठ कर डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सबसे बेस्ट है। सो अब बैठ चुका हूँ, अब इंतज़ार करते हैं ट्रेन के यहाँ से निकलने के लिए। सो अभी बज चुका है 9:00, 1 घंटा और वेट करते हम। जब हम ट्रेन में बैठे थे उस वक्त पूरा अंधेरा था, अपना फ्लैश लाइट जगा कर बैठना पड़ रहा था, काफ़ी डर सा भी लग रहा था, बट अब धीरे धीरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और लाइट भी आ चुकी है। और अभी समय हो चुका है 9:40 और 20 मिनट बाद हमारे ये जो ट्रेन है वो यहाँ से निकलेगी अपने डेस्टिनेशन के लिए। जो ये मेरा सफ़र होने वाला है ये ऑलमोस्ट पूरे 9 आवर्स का होगा, और अगर सही समय से चला तो हम पहुँच जाएंगे कल 8:35 में, और लेट रहा तो पता नहीं कितना लेट होगा। लेट से दिखा देगा वो कल सुबह, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद आपको टाइम दिखाएंगे। यह है मेरा सफ़र का दूसरा दिन, और आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ बदरपुर जंक्शन से। सो इसके बाद आने वाला है नेक्स्ट स्टेशन जो कि करीमगंज, तो वो मेरा आखिरी जर्नी रहेगा इस ट्रेन से। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रेन रहेगा वो करीब रहेगा सुबह के 10 बजे से, सो देखते हैं कि वो ट्रेन टाइम से आएगी कि नहीं आएगी। बाय द वे इस ट्रेन को यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 मिनट रुकना था, बट अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर रुका हुआ, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी लेट होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए और अच्छा है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 10 बजे के करीब में है। और मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना गंदगी बहुत ज़्यादा यार, आप ये देखो
और एक चीज और, साथ ही साथ ये पूरा प्लेटफॉर्म है ना, आपको चिड़िया का पूरा टट्टी देखने को मिलेगा पूरा यहाँ से लेके एंडिंग तक, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और साथ ही साथ मैंने ना चिड़िया बहुत मेरे हुए देखे, एक यहाँ पर हो गया, दो उस तरफ, तीन, और आगे के साइड में भी मैंने दो तीन देखे भाई। पता नहीं चिड़िया क्यों इतने ज़्यादा मर रहे हैं। सो इस ट्रेन से मेरा आखिरी जो अभी जर्नी रहेगा वो रहेगा बदरपुर तक। भाई जल्दी निकलने से भी अच्छा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जाके करीमगंज एक्सप्लोर कर पाऊँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा पाऊँ इस व्लॉग में जितना हो सके अपने तरफ से। तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का हमारे यह खूबसूरत सा दिन, देखा जाएगा। बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें और एक दिन देखने को दिया। अभी मैं पहुंच चुका हूं करीमगंज जंक्शन में, एकदम परफेक्ट टाइम से पहुंचा, तो ब्रश वगैरह कर लिया। बट अभी मुझे ना टॉयलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाऊंगा बाहर पे कुछ खाने के लिए। खाने के लिए पेट में तो जगह होना पड़ेगा ना। तो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और करीमगंज दो स्टेशन है, एक न्यू करीमगंज स्टेशन है और एक करीमगंज जंक्शन है। तो मैं पुराना वाला में आया हूँ, यहीं से मुझे अपना नेक्स्ट ट्रेन को पकड़ के जाना पड़ेगा अगरतला के लिए। तो सबसे पहले टॉयलेट ढूंढ दो यार, टॉयलेट है किधर? काफ़ी छोटा सा स्टेशन है यार, पर टॉयलेट तो दिख नहीं रहा इधर मुझे कहीं। आई थिंक उस साइड भी हो सकता है या सर इधर टॉयलेट किधर होगा? और इधर ही है, चलो भाई टॉयलेट चलते हैं। अभी अपना पेट वगैरह पूरा मस्त से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है, अब जाके इसमें कुछ डालते हैं। और यहाँ का जो पब्लिक टॉयलेट है ना भाई साहब, इतना ज़्यादा गंदा, एंड गंदा तो चलो अलग बात है, जो डोर है ना वो भी पूरा ब्रोकन था यार, देख के डर लग गया। और वो देख के मैं बाहर निकला था, मेरा रिएक्शन बहुत अजीब सा था। तो एक शख्स था कोई, तो इस रेलवे स्टेशन में काम करता है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और बोला कि आप हमारा ये प्राइवेट टॉयलेट यूज़ कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो खैर अब चलते हैं बाहर, और अभी समय चुका है 8:30, तो हाफ एन आवर या 1 आवर ऐसे घूमते हैं बाहर में, उसके बाद फिर स्टेशन आते हैं, ट्रेन बैठ पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से अगरतला के लिए। और यह है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म के बीच में आपको एक जाली करके लगाया हुआ है, इधर क्यों लगाया हुआ है। खैर यह है इसका एग्जिट पॉइंट, चलते हैं भाई बाहर। सो अभी मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ आने के बाद ना सब कुछ बंद ही बंद दिख रहा है। पता नहीं सारे लोग रखते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ ना, उसको लेकर ही आई थिंक सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ पेंडल का सामान वगैरह भी दिख रहा है, और आई थिंक यहीं पर दुर्गा पूजा भी लगा होगा। तो भाई अभी यहाँ से मार्केट कितना दूर है एग्जैक्ट नहीं पता, यहाँ पर कुछ दुकान वगैरह तो दिख रहे हैं जो कि बंद है। भाई मार्केट कितना दूर है? मार्केट खतो दूर, विशाल मार्केट, हाँ खतो दूर। ठीक है कुछ भी समझ नहीं आया भाई। तो कुछ खाने के लिए सबसे पहले जुगाड़ करते हैं, उपाय करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। समय है मेरे पास, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेंडल वगैरह देख रहा ना, उसके हिसाब से लगता है कि काफ़ी बड़ा था भाई। भाई इधर बाज़ार कितना दूर होगा? सामने ही है ना, उधर मिलेगा खाने पीने के लिए? और ठीक है चलो चलो भाई चलते हैं आगे की ओर, और देखते हैं थोड़ा बहुत, और आपको भी दिखाते चलते हैं। तो ये अच्छा है ना, करीमगंज आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुका है, स्टेशन में मैं काफ़ी देर था, और अभी बाहर निकला हुआ 5 मिनट भी नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से बात किया, मोस्टली जितने भी लोगों से बात किया ना, उसमें से 1-2% ही ने हिंदी समझा और बात किया, बाकी सब बंगाली बोल रहे हैं यार। थोड़ा सा समझना और बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, और इनका जो बंगाली है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए समझना मुश्किल होता है। अदरवाइज जो कोलकाता वाले होते हैं या सिलोटिया बंगाली होता है ना, वो सब मुझे लाइक मैं बोल पाता हूँ, समझ भी पाता हूँ, बट इनका थोड़ा सा अलग सा यार, तो समझने के लिए मुश्किल होता है। बट जैसे तैसे थोड़ा बहुत समझा, 2-3 लोगों से और पूछताछ किया, तब जाके पता चला कि आगे में आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और लेट्स सी कि बाज़ार कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक जो न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बाहर में आपको थोड़ा सा टाउन वगैरह देखने को मिलता होगा, एंड वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। इन फ्यूचर कभी जाना मिला, मौका मिला, तो जरूर जाके दिखाएंगे। सो अभी चलते हैं इस तरफ,
आते हैं और वापस आते हैं। टाइम कितने हो चुके हैं, 8:35। लेट्स गो। अभी मैं ये रास्ता होके आ रहा हूँ पीछे, और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर बाजार देखने को मिला जहाँ पर सब्जी वगैरह बिक्री हो रहा है, साथ ही साथ फिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होते हुए दिखा है। और मोस्टली अभी जितने भी दुकान वगैरह दिख रहा है ना, सारा बंद है। आई डोंट नो क्यों बंद है यार, क्यों बंद है कुछ पता ही नहीं चल रहा भैया। ओ भैया, आज को मार्केट क्यों बंद है, खुलेगा क्या मार्केट इतना लेट? लेट खुलता है इधर, थोड़ा देर बाद खुलेगा। हमको लगा कि कुछ तो है क्या, उधर भी सब बंद वगैरह दिख रहा है ना, रेस्ट कर रहे हैं ना। चले ठीक है, हाँ हमको भी डाउट लग रहा था उसी को लेके, शायद थोड़ा रेस्ट कर रहा होगा। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि दुर्गा पूजा का रिसेंटली ख़त्म हुआ, तो उसको लेके आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होगा। और मोस्टली बंगाली लोग होते हैं तो बंगाली लोग उसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाते हैं, तो यही होगा रीज़न। तो अभी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके उस तरफ जा रहा, थोड़ा बहुत देखते हैं। और जो रेलवे स्टेशन है वो ठीक यहाँ पर, आपको वो देखो। तो आते वक्त मैं ये रेलवे स्टेशन को फॉलो करते हुए ट्रैक को स्टेशन चला जाऊँगा। चलते चलते काफ़ी दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला यार, इसको देख कर ना मैं काफ़ी देर तक ध्यान से देखा। ये एक्चुअली में ये पेंडल है या पूरा बना कर रखा हुआ, बहुत देर कंफ्यूज हुआ। फिर लास्ट में जाके नोटिस किया इस तरफ में, तो वहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह दिखे, तब जाके मुझे अंदाज़ा लगा कि भाई ये दुर्गा पूजा के लिए पेंडल बनाया है। भाई कितना रियल दिख रहा है, इतना रियल भाई। यहाँ से आगे जाओगे तो फकीरा बाज़ार, फिर क्या क्या लिखा हुआ यार पढ़ना मुश्किल है। तो कुछ ऐसे लोकेशन पर मैं आया हूँ, अब वापस चलते यार, क्योंकि मोस्टली सब मैं जगह देख रहा हूँ तो बंद ही बंद दिख रहा है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो वापस चलते यार, यू टर्न लेते हैं, वही बेस्ट है। कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं स्टेशन की ओर। कैसे बोलते हैं मंगलिया, अपनी हिंदी जाने? बंगाली में कैसे बोलते हैं, आपने मस्ती किया कि कैसे? मस्ती किया, मस्ती बहुत मस्ती किया। बंगाली में कैसे बोलते हैं? बहुत आनंद किया है। एटा बंगाली है, ए डुप्लीकेट मानू ना। आनंद करछी। तो एमने खोइते लागबो ना आप लोगों का जो बंगाली हो, सॉरी वीडियो कर ली। तो भाई अंकल जी यहाँ पर गरम गरम पूड़ी चाय बेच रहे हैं, और सामने आपको देखने को मिलेगा बस स्टेशन। काफ़ी यूनिक सा बस स्टेशन है यार। यहाँ पर टिकट वगैरह काटना होगा तो कहाँ पर काटते हैं? ओ इधर है टिकट काउंटर, अंदर है ना भाई। बारिश होने से तो बहुत दिक्कत है ना, बारिश में बहुत दिक्कत है। वो तो सब जगह ऐसा ही होता है। कोई नहीं अंकल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, हम आगे और निकलेंगे। ठीक है ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। क्या बोलना था भाई, क्या बोल रहे हैं, चला गया। तो खैर भाई अब चलते हैं स्टेशन, और आप ज्यादा आपको नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर क्योंकि कुछ है नहीं, सब बंद ही बंद है। तो थोड़ा खुला रहने से मार्केट तो अच्छा भी लगता है, जब लोग दिखते हैं तो सब उसका आनंद ही अलग सा होता है ना। सो हम पहुंच चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन के पास में, जो ट्रैक है उसके पास में। सो यहां से भी जा सकते हैं, पर आगे मैंने एक होटल देखा है तो वहां पर कुछ खाकर उसके बाद फिर वापस इधर जाते हैं स्टेशन पर। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है अपना, और मैं फिर से निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ में, और यहाँ से मैं दूसरा ट्रेन पकड़ के जाऊँगा त्रिपुरा के लिए। सो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय द वे, मैं अपना नागालैंड ट्रिप ख़त्म करने के बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए बंद कर दिया था। उसका कारण ये है दोस्तों कि मैं जब नागालैंड ट्रिप कर रहा था ना, उस वक्त मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा था, और उसके बाद थोड़ा बीच बीच में तबीयत वगैरह भी ख़राब हो रहा था, और उसको लेकर ना मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली मैं फिट नहीं था। इसके वजह से मैं गुवाहाटी सडनली आया, अदरवाइज मैं पूरा सोच के रखा था कि 3 मंथ्स गुवाहाटी पे दीमापुर में सॉरी नागालैंड में स्टे करूँगा, बट तबीयत ख़राब होने के वजह से उसके बाद मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं था। सो उसके वजह से मैं गुवाहाटी आ गया था अपने दोस्त के पास में, एंड वहाँ पर जाके मैं काफ़ी दिन स्टे किया, ऑलमोस्ट 10 डेज स्टे किया।
तब जाके अभी मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश है और उसके बाद बॉडी भी एकदम फिट है। सो अब मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर के लिए, जैसे कि अभी तक आप देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। सो एक नए सफर के लिए निकल चुका हूँ एंड अब से फिर एक महीना कंटिन्यू मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, उसके बाद फिर कुछ दिन रेस्ट करूँगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बनाना भी आसान नहीं होता ना। तो जो लोग करते हैं उनको पता होगा और जो देखते हैं उनको शायद इतना महसूस नहीं होता होगा, बट मुझे पता है कि मेरा क्या हाल होता है डेली व्लॉग्स वगैरह बनाना। सो इट्स नॉट ईजी, तो इसके वजह से मैंने बीच में काफ़ी व्लॉग बनाना बंद कर दिया था और अब जाके माइंड फ्रेश हो चुका है, अब शरीर में एक अलग से एनर्जी भी आ रहा है और अब आपको कंटिन्यू व्लॉग देखने को मिलेगा। आई डोंट नो कितने दिन तक कंटिन्यू देखने को मिलेगा। सो यस, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं हमारे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।